अभी जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये घर समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ सरदार चौधरी थे उनका जैसे घर होता है, ये घर ऐसे किसी कोरियन सरदार, बादशाह की बात नहीं कर रहा मैं, कोरियन सरदार और यहाँ पे किसी कोरियन चौधरी का घर है। ये कोई पुराना घर था जिसको अंदर से इन्होंने सजा कर बना कर मजबूती देकर एक प्यारा सा रेस्टोरेंट बना लिया है, देख सकते हैं। और इसी तरह इस पूरे गांव में हर बिल्डिंग को इन्होंने ऐसे बनाया, लेकिन ये घर अभी खाली है। इस वक्त हम जो शहर में आए हैं और हर चीज़ इधर रवायती अंदाज से बनाई गई है। इस वक्त मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग की शेप और इसके अंदर जो मटीरियल है हर चीज़ एक रवायती तरीके से बनाई गई है, जो कि जैसे कि पुराने लोग यहाँ इनकी जो कोरियन रियासत थी उसमें बादशाह और बाकी लोग अपने घरों को बनाया करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर रेस्टोरेंट मार्ट और बाकी कॉफ़ी शॉप और जो भी चीज़ें हैं वो उसी अंदाज से बनाई गई हैं। और जहाँ पर लोग भी काफ़ी तादाद में विज़िट करने आते हैं इस शहर को और यहाँ के गाँव को। फाइनली हमें एक घर मिला है जिसके अंदर हम जा सकते हैं, बाकी तो उन्होंने रेस्टोरेंट काफ़ी शॉप कुछ मार्ट इसी अंदाज में बना चुके हैं, और जो एक है जो हमें मिला इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या सीन है। अभी जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये घर समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ सरदार चौधरी थे उनका जैसे घर होता है, ये घर ऐसे किसी कोरियन सरदार, बादशाह की बात नहीं कर रहा मैं, कोरियन सरदार और यहाँ पे किसी कोरियन चौधरी का घर है, ये किसी सरदार के घर। काफ़ी तादाद में यहाँ पर कोरियन और फॉरनर आते हैं विजिट करने शहर में। अभी हम इसकी दूसरी साइड पर जाएंगे, अगर कैमरा मैन मेरे पीछे आए और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक अंदरूनी साइड है, मुझे कुछ चीज़ें हैं इनमें, ये इनकी मशहूर खुराक है किमची, वो बनाया करते थे। और आप देख सकते हैं किस रवायती अंदाज से लकड़ी का काम किया गया और इनकी छतों को ऐसे बनाया गया, क्योंकि जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो जब बर्फबारी होती है तो बर्फ उस पर ठहर नहीं सकती, इसका छत ऐसे। अच्छा, हमें बाहर से इंफॉर्मेशन मिली कोरियन से कि ये किसी सरदार का घर था जो कि इस मोहल्ले का या इस एरिया का सरदार था, लेकिन अभी मेरे दोस्त ने बताया कि ये बादशाह था जो यहाँ का, उसकी दादी का घर है। और अब अल्लाह ही बेहतर जानता है बादशाह की दादी का घर था या फिर किसी सरदार का घर था, वैसे भी दादी कौन सी किसी सरदार से कम होती है। और यहाँ पर एक पुराने ज़माने के लॉक जो कि हमने अपने गांव में भी देखे हैं पाकिस्तान में भी, और ये उस घर के बाहर का मंजर है। ये पूरा गांव इसी तरह का है।